डीलर मजे में और जनता सदे में। जी हां, हेमंत की हिम्मत वाली सरकार का इन दिनों कुछ यही हाल है। सरकार जहां एक ओर गरीबों के चूल्हे तक अनाज पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं कुछ डीलर जनता को मिलने वाले अनाज को सीधे तौर पर खा जाने का काम कर रहे हैं। मामला बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत तुलबुल पंचायत के कदम टोला में गरीबों का अनाज मार रहे डीलरों का। बता दें कि ऐसा वाकया 19 फरवरी की रात्रि करीब 9 बजे का है, जहां महिला ग्राम संगठन ने डोली रानी डे के सरकारी राशन दुकान से करीब 12 क्विंटल अनाज को चार पहिया वाहन से अन्यत्र ले जाते पकड़ा। महिलाओं ने कहा कि डीलर द्वारा प्रत्येक माह 4 से 5 केजी अनाज कम दिया जाता है। इसकी शिकायत वह जनता दरबार में भी कर चुके हैं, लेकिन इस शिकायत का कोई फायदा नहीं मिला। आजीविका महिला समूह ने चार पहिया वाहन JH 10BC 4021 अनाज से लदी गाड़ी को पकड़ा। मौके से चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं गांव की महिलाओं ने गोमिया प्रखंड विकास पदाधिकारी कपिल कुमार को फोन कर इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी तुलबुल कदम टोला गोमिया थाना के ASI यमुना गुप्ता दलबल के साथ तुलबुल पहुंचे और उक्त सरकारी राशन दुकान के संचालक से दुकान खुलवा कर अनाजों की गिनती की। इस दरमियान सैकड़ों महिलाएं एवं पुरुष ने एक सुर में सरकारी अनाज विक्रेता के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। वहीं इस संबंध में गोमिया प्रखंड विकास पदाधिकारी कपिल कुमार ने कहा, डीलर डॉली रानी डे पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, साथ ही अनाज से लदी गाड़ी को थाना ले जाया जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको गोमिया से हमारे संवाददाता विजय साव की खास रिपोर्ट। तो गाड़ी हम देखे उनका कोटा पे लगा हुआ था, तो संदेह आया कि हम लोग को कि गाड़ी में चावल लोड क्यों कर रहा है, चावल लेके कहाँ जा रहा है। तो हम लोग देखे तो लोड किए तो गाड़ी लेके वहाँ से हम लोग को देखा, जब यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा दी लोग को तो गाड़ी आगे लाने लगा, तो गाड़ी वहीं रोक रहा था। हम लोग खड़ा हो गए, सभी दीदी लोग नहीं रोका, तो हम लोग गाड़ी में ऐटा का दोनों चक्का में दिए वोट लगा, तब गाड़ी रोका है। तो फिर वीडियो सर को बुलाए, CO सर को खबर किए, फिर मुखिया जी को कॉल किए, सभी फिर गाड़ी में क्या लोड है, क्या क्या लोड, चावल लोड, कितना बोरा लगभग होगा, लगभग आधा गाड़ी है, 25-30 बोरा। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ इंदु देवी। डोली रानी के डीलर है, जो रात में 8:30 बजे गाड़ी लगा के और राशन डीलर जहाँ उनका दुकान है वहाँ से लेके और गाड़ी में लेके जा रहे थे। हम दीदी देखे, हम सभी दीदी को देखे यहाँ पे और सबको जानकारी दिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सभी दीदी आई और सब पूछे कि ये चावल कहाँ जा रहा है, तो वो उनके पास कुछ जवाब नहीं था। तो हम लोग गाड़ी को रोके और सर लोग को बुलाए, वीडियो सर लोग को, और गाड़ी पूरा फुल है, कार्डधारी का राशन सबको हर एक महीना के काट काट के और ये राशन ब्लैक करके बेचने जा रहे थे, जो कि हम लोग पकड़े हैं। ये कार्डधारी का संपत्ति है, यहाँ का संपत्ति है, और कार्डधारी डीलर ब्लैक में लेके बेचने जा रहा था। क्या डीलर आप लोगों को हर महीना अनाज नहीं देता है क्या? देता है, लेकिन काट काट के देता है, काट काट के देता है, उनको बोलने के बाद भी उनको हम लोग हर मंथ मतलब चेतावनी दे रहे हैं पर नहीं वो सुन रहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनी देवी और ग्राम संगठन का अध्यक्ष, ग्राम संगठन की सभी दीदी मिलके इस कार्य को अंजाम दिए। एक नाम से एक लाइसेंस था तुलबुल पंचायत में, वो उनको जो आवंटन मिला था बांटने के लिए चावल का, वो कुछ चावल करीब करीब हम लोग काउंट नहीं किया, लगभग 20 बोरा मतलब 10-15 क्विंटल ऐसा चावल है जो पिकअप वैन में लोड करके बाहर कहीं भेज रहा था। लोगों ने देखा, तुरंत सूचित किया, उन लोगों ने गाड़ी को पकड़ के भी रखा, तो हम आधा घंटा में हम लोग आ गए थाना प्रभारी के साथ में, तो हम लोग पकड़े हुए हैं। गाड़ी का ड्राइवर चाबी लेके भाग गया, तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह थाना ले जाया जा सके। क्या कुछ कार्रवाई होगी? जो डीलर है उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसका जो लाइसेंस है उसको रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।